कर्नाटक के हिजाब विवाद का रंग उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हिजाब को लेकर जारी विवाद के संदर्भ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को ट्वीट किया था कि एक महिला का अधिकार है कि वह बिकनी, जींस या हिजाब पहने या घूंघट निकाले, यह उसका अधिकार है। बाद में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करने के लिए हुई प्रेस वार्ता में इसे लेकर हुए सवाल पर भी वह बेबाकी से अपने स्टैंड पर कायम रही। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रियंका पर यह कहते हुए निशाना साधा है कि वह हिजाब का समर्थन कर महिलाओं की स्वतंत्रता छीनने की बात कर रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर हुई प्रेस वार्ता में प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल हुआ कि आप कह रही हैं कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन आपने बुधवार सुबह हिजाब पर जो ट्वीट किया उससे विकास की धारा कहीं और मुड़ गई है। इस पर प्रियंका ने पलटकर सवाल किया कि क्या मैंने हिजाब पर बहस छेड़ी है, फिर कहा कि एक महिला को अधिकार है कि वह बिकनी पहनना चाहे या हिजाब पहनना चाहे या घूंघट काढ़े या साड़ी पहने या जींस पहने, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना ही होनी चाहिए। इस पर उनसे फिर सवाल हुआ क्या स्कूल या शैक्षिक संस्था में बिकनी कहां से आ गई। जवाब में प्रियंका ने कहा कि आप गोलमोल करके कुछ भी कह सकते हैं, किसी को अधिकार नहीं है कि वह एक महिला से यह कहे कि वह क्या पहने। फिर उन्होंने सवाल पूछने वाले मीडिया कर्मी से देश में कहा, मैं आपसे कह रही हूं कि स्कार्फ उतारो। मीडिया कर्मी ने उनसे कहा कि मैं स्कूल में नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूं। इस पर प्रियंका ने कहा कि आप जहां भी हो क्या मुझे आपसे यह कहने का अधिकार है, फिर बोली कि मुझे आपसे यह कहने का अधिकार नहीं है। सत्ताधारी भाजपा की ओर से इस पर तत्काल प्रतिक्रिया आई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पलटवार कर कहा कि हिजाब का समर्थन करने वाली यह वही प्रियंका है जो उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे से यूपी की महिलाओं और बेटियों की आवाज बुलंद करने आई थी, पर यह दुखद है कि आज वह हिजाब का समर्थन कर एक समुदाय विशेष की महिलाओं की स्वतंत्रता छीनने की बात कर रही है। महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करने वाली प्रियंका ने स्कूल कॉलेज में हिजाब का समर्थन करके लोगों को बांटने और नफरत वाली राजनीति का भी समर्थन किया है। स्कूल में न घूंघट चलेगा और न ही हिजाब चलेगा।